मेरा पगार था 150 रुपया महीना, और पहला पगार मिला जब 150 रुपया, उस जमाने में 10-10 के नोट बड़े होते थे, तो मेरे को 15 नोट मिले 150 रुपया। तो राजकमल स्टूडियो के गेट के बाजू में ही कैंटीन था, तो मेरा 10-12 रुपये 15 रुपये का बिल हुआ होगा कैंटीन का, तो वो वेट करता था कि पगार मिले तो सब पगार पैसे दे के आगे जाए। तो मैं गीत गाया पथरोने का हीरो, पीछे की दीवार फांद के जम मार के, ताकि उसको 12-15 रुपये नहीं दूं। मतलब ये नहीं कि मैं चोरी करनी थी, मेरा मकसद यही था कि मेरे फादर को जाके मैं 150 रुपये हाथ में दूं एक साथ। ये मेरी पहली कमाई है। मेरी माँ बोली, रवि ये तेरी पहली कमाई दे रहा है, भगवान करे तू बहुत बड़ा बने, तब क्या करता है देखेंगे। और बताऊं आपको, मैं 63 में पहली फिल्म थी मेरी, 86 तक कितने साल हो गए, 23 साल मेरे घर में, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मेरे घर में किसी को 1 रुपया भी चाहिए, 10 रुपये भी चाहिए, इवन मी, पैसे चाहिए तो डैडी से मिलेंगे और कोई नहीं दे सकता। लोग कहते हैं ना माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, ऐसे इज्जत होती है। और देखो ऊपर वाला ने भी देखा, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने जो भी सक्सेस पाई, बहुत सक्सेस पाई, उनको भी नहीं मालूम उनके पास कितने पैसे हैं, सब मेरे हाथ में रहते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे काम आएगी, और माँ बाप के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उनकी सेवा करना, तुम्हारे बच्चे जब होंगे वो तुम्हारी सेवा करेंगे। क्या बात है।